हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया इसकी ड्रमस्टिक की सब्जी, जिसको कि सोहजन भी बोलते हैं। सहजन भी किसी भी सब्जी भी बोलते हैं। तो आज मैं सहजन की सब्जी बना रही हूँ और इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है ये सब्जी, और हेल्थ की दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करें और देखें कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो तैयारी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले ये सहजन को क्या किया है, छील के और छोटे छोटे इतने बड़े बड़े पीस में काट के इसको पानी में डाल दिया है, और आलू को भी मैंने छील के और पीसेस काट के इस तरह से इसमें डाल दिया है। और इधर हमने लिया है ये प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का को पीस के ले लिया है। और मसाले में मैंने लिया है अभी धनिया, हल्दी और मिर्च, इसको मैंने मसाले में लिया है। नमक बाद में ऐड करूंगी। और ये हमारा सरसों का पाउडर है, पीला सरसों होता है ना, पीला राई जिसको आप बोला जाता है, तो वो है, तो उसकी भी उसको भी हमने ले लिया है। तो देखिए अब इसको मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये तैयारी तो मैंने कर ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा तो बॉयल गरम हो रहा है। देखिए मैंने बॉयल गरम होने के लिए डाल दिया है और इसमें से सहजन निकाल के सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे। बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, बस तो सौते कर लेंगे, जिससे कि इसका जो वो कसैलापन होता है ना, वो थोड़ा सा इसका वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सौते करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसको और आलू को हम भून लेंगे, पहले इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद हम फिर थोड़ा सा आलू को भी हल्का सा इसी में डाल के हम भून लेंगे। आप देखिए इसको कैसे बनता है, ये मैं कैसे बनाती हूँ अलग तरह से, और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। सब लोग इसको खाते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो घर में सब लोग खाएंगे सोयाबीन की सब्जी। ऐसा तो थोड़ा कई लोग सहजन को ना पहले क्या करते हैं, हल्का सा बॉइल भी कर लेते हैं, लेकिन मैं बॉइल नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉइल करने से इसका जो पौष्टिकता होता है ना, वो पानी के साथ थोड़ा सा निकल जाता है ना, तो मैं इसकी वजह से इसको बॉइल नहीं करती हूँ। बस इसको ऐसे ही हल्का सा फ्राई करके मैं सोते करके इसको मैं बना लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा आलू भी भुन जाए हमारा। आलू को भी काट के मेरे यहाँ थोड़े छोटे छोटे पीस काटे हैं आलू के, कम डाके छोटे डाले जाते हैं। देखिए ये हमारा सोहजन और आलू जो है वो ड्रमस्टिक और आलू भुन गया है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। भून के बना तैयार हो गया। तो ये देखिए कैसे भून के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये हमने इसमें निकाल लिया है। अब इसमें हम लेंगे थोड़ा सा मेथी का दाना। देखिए चार छह दाना इसका मेथी का ले लेंगे, और थोड़ा सा जीरा ले लेंगे। ये देखिए जीरा भी पाउडर, साबुत जीरा। देखिए मेथी जब हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। तो ये हमने इसमें जीरा डाल दिया। अब इसमें हम ये प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर जो हमने पीस के रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने सारे जो पीस के रखे थे उसको डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, ये थोड़ा सा ही भूनना है। थोड़े से भूनेंगे। और इधर हमने आपको जो बताया कि मैं सरसों का मसाला डालूंगी, तो ये मैंने सरसों का मसाला तो पीसा हुआ सरसों है, इसको बारीक बारीक पीस के मैं रख लेती हूँ, और इसको मैं पानी में घोल लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं पानी में अभी घोल लेती हूँ। थोड़ी देर भूनेगा तो ये अच्छा हो जाए लगेगा, फिर इसका डालने में सही जाता है। तो इसको मैं पानी में भूनने के लिए रख दी हूँ। यहाँ थोड़ा सा भून गया है तो इसी पे हम मसाला डाल देंगे। ये मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, धनिया, हल्दी, मिर्च निकाल के मैंने रखा हुआ था, तो ये मैं डाल दूंगी इसमें। आइए, क्योंकि सूखा मसाला था तो सूखा मसाले को थोड़ा सा ये करने के लिए थोड़ा सा पानी डालते हैं, नहीं तो ये जल जाता है। या तो आप मसाले को पहले पानी में घोल लीजिए तो डालिए, नहीं यदि ऐसे सूखा डाल देते हैं तो थोड़ा सा इसमें ना पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा सील कर देंगे गैस को। फ्लेम को हमने कम कर दिया, सिम कर दिया है। और इसमें डालेंगे नमक।
सब्जी के हिसाब से मैं एक ही बार नमक डाल देती हूँ मसाले का। तो ये देखिए, ये हमने इसमें नमक डाल दिया। अब इसको हम ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मसाला भुन जाए और तेल जो है वो बाहर छोड़ दे। तेल छोड़ दे ये। अब देखिए फ्रेंड, लगता है मेरा मसाला भून के तैयार हो गया होगा शायद। तो देखिए यहाँ ये बिल्कुल ही तैयार हो गया है, ये नमक ये भी छोड़ दिया है ये। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये भुना हुआ सब्जी जो है वो डाल देंगे इसमें। हम भुनी हुई अपनी सब्जी जो है ये जो मैंने भून के रखा वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सर, मेरी सब्जी बनके ये तैयार हो गई है, भुन गया अच्छे से सब्जी। ये देखिए सब्जी अच्छे से भुन गया ये। अब देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सरसों मसाला जो हमने घोल के रखा है ये ऐड कर देंगे। ये सरसों मसाला वाला पानी जो है जो पानी में घोल के रखा था ये हम ऐड कर देंगे। सरसों मसाले को कई लोग जो है वो ये भी बोलते हैं, पीला राई भी बोलते हैं। तो आप इसको पीला राई भी बोल सकते हैं, और या फिर हम लोग तो सरसों ही बोलते हैं। आप लोग यदि पीला राई बोलते हैं तो पीला राई भी बोल सकते हैं इसको। ये इसको अब अच्छे से थोड़े से इसको सरसों डालने के बाद ना ज़्यादा नहीं भूनते हैं इसको, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सरसों डालने के बाद पता नहीं, हम लोगों ने तो नहीं किया है कभी ये, लेकिन कई लोग बोलते हैं, कई लोग क्या मेरी मम्मी लोग बोलती हैं या सास लोग बोलती हैं, सरसों डाल के भूनने से ज़्यादा ना वो सरसों में तिखापन आ जाता है थोड़ा सा। तो इसकी वजह से सरसों डाल के वो लोग नहीं भूनती हैं, सरसों लास्ट में डाल के बस उसको पानी डाल दिया जाता है। तो ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस सब्जी को मैं क्या करूँगी, कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए मसाला कढ़ाई में ही मैं क्या कि पानी डाल दी हूँ, जिससे कि सारा मसाला इसके साथ जो था वो भी आ गया इसमें मिल जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने डाल दिया है। अभी जी आपको सब्जी का कलर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे देखिए ये सब्जी मेरा इस तरह का बन रहा है। ये देखिए इसका कलर ऐसा आ रहा है, जब ये बन जाएगा पूरा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये लगा देंगे और एक विसल के बाद इसको जो है वो गैस को सिम कर देंगे, थोड़ी देर सिम करके छोड़ देंगे। ये अपने आप कुक हो जाएगा, जब ये बन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा जो है वो इसका ड्रमस्टिक की सब्जी तैयार हो गई। देखिए ये कितना अच्छा कलर भी बहुत अच्छा आया और कितनी अच्छी सब्जी ये तैयार हुई है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बनाते हैं। आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। कैसा बना ज़रूर कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू माई फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।